This news is sponsored by Hira Banquet Hall, fully air conditioner at Syed Ali Chabutra near Shah Ghaz Hotel. A18 खबरनामा में आप सभी का इस्तकबाल है। डायरेक्टर महकमा सेहत हुकूमत तेलंगाना के खसूसी कोविड बुलेटिन के मुताबिक रियासत तेलंगाना में पीक के रोज अंदरून 24 घंटे कोविड इन्फेक्शन के 10,122 नए वाकयात दर्ज होने और 52 मुतासरीन की कोविड से मौत होने की इत्तला मिली। GHMC के इलाके में 1,440 नए पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए। मरकजी वजारत सेहत से जारी करदा कोविड बुलेटिन के मुताबिक हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों में 3,23,144 मुस्बत केसेस दर्ज होने और 2,771 मुतासरीन की कोविड से मौत होने की इत्तला दी। तेलंगाना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एसोसिएशन के सदर डॉक्टर भी भास्कर राव ने पीर के रोज़ बताया कि कोविड वबाई मर्ज की दूसरी लहर से ना सिर्फ तेलंगाना बल्कि पूरे मुल्क में भी सेहत का इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा दबाव डालकर एक नाजुक सूरत हाल पैदा कर दी है। इस वक्त कोविड की दूसरी लहर की वजह से सूरत हाल इंतहाई नाजुक है। इस बात का अमकान मौजूद है कि हम इसके बाद कोविड वबाई मर्ज के तीसरे, चौथे और पाँचवें लहर का मुशाहदा करेंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल्स दबाव का शिकार है। वबाई अमराज की वजह से लोग जहनी दबाव में हैं, जिसकी वजह से कोविड मरीजों को ICU की देखभाल की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मरीजों के अहले खाना की जानिब से ICU बिस्तरों का मुतालबा किया जा रहा है, जिसके नतीजे में ज़रूरतमंद मरीजों को बिस्तर की कमी का सामना करना पड़ रहा है। तेलंगाना में कई परिवार को तीन दुख का शिकार होना पड़ा। करीमनगर में COVID-19 की वजह से एक ही खानदान के तीन अफराद की मौत पर तीन दुख का शिकार हो गए। 21 अप्रैल को 40 साल अब्दुल मन्नान का कोविड वायरस से इंतकाल हो गया और इस दुख में 65 साल अब्दुल मन्नान की वालदा चल बसी। हाल ही में अब्दुल मन्नान के वालिद अब्दुल हकीम का भी इंतकाल हो गया। निज़ामबाद के चौपुर गांव के रिहायशी एक जोड़े और उनके दामाद का कोविड से इंतकाल हो गया। अमूर में एक शख्स ने कोविड वायरस का मुस्बत तजुर्बा किया और हैदराबाद में इलाज के दौरान इंतकाल हो गया। जब इस बात की इत्तला उनके अहलिया को दी तो कोविड के सबब शौहर के इंतकाल पर सदमा लेने से महरूम की अहलिया को दिल का दौरा पड़कर इंतकाल हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, A18 तेलंगाना न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि नाइट कर्फ्यू तेलंगाना में भी लग चुकी है और लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पर हैदराबाद में यानी कि पूरे तेलंगाना में अपनी खिदमत को अंजाम दे रही है। और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ मौजम जही चौरस्ते पर, जहाँ पर मेरे साथ बेगम मदार SI सर खड़े हुए हैं। सर, क्या लगता है सर, पब्लिक आपके साथ कोऑपरेट कर रही है? बिल्कुल कर रही भैया, बिल्कुल अच्छा कर रही। रोक रहे, अच्छा जवाब दे रहे। सर, क्या कैसी चेकिंग हो रही है सर? व्हीकल चेकिंग हो रही है या फिर मास्क चेकिंग हो रही है? चलो पति सर, नहीं कर रहे व्हीकल चेकिंग, नहीं कर रहे हैं हम, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, वो कुछ भी नहीं पूछ रहे हम। साफरान मताम अल अरबिक की जानिब से रमजान में रोजदारों के लिए पेश करते हैं रमजान स्पेशल हलीम, प्योर मटन चार गोशा असली घी में तरबतर ड्राई फ्रूट्स के साथ जायकेदार हलीम।